लॉकडाउन में मिड डे मील को लेकर झारखंड के बोकारो में सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है। कोरोना के कारण सरकार के दिए आदेशों के बाद हालांकि सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, लेकिन मिड डे मील को लेकर भी सरकार ने जो आदेश दिए हैं, उनका पालन हर जगह नहीं हो रहा। बात करते हैं झारखंड के बोकारो की, जहां गांव रानी चिड़का में विगत दो महीनों से लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन के मिड डे मील, जो कि ग्रामीण बच्चों का हक है, उन्हें नहीं दिया जा रहा। जबकि पास के दो गांव में विद्यालय के सभी बच्चों को मिड डे मील के रूप में खाद्य सामग्री या फिर उनके स्थान पर कुछ रुपए दिए जा रहे हैं, ताकि बच्चे या उनके परिजन उनके लिए भोजन एकत्रित कर सके। जबकि गांव रानी चिड़का में विगत दो महीनों से लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन का मिड डे मील नहीं दिया जा रहा, जो कि बच्चों का हक है। मैं अनुराग झा, आज रानी चिड़का विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय रानी चिड़का में आया हुआ हूँ। यहाँ की जनता की कुछ असुविधाएं हैं, जो कि आपके सामने, आप सभी के सामने रखना चाहते हैं, जिससे रूबरू कराने के लिए विलेज रानी छिड़का थाना पिंडरा जोरा, एक अच्छी कैंपस है, स्कूल की सरकारी स्कूल है, जिसकी कैंपस अच्छी है, जिस कैंपस में इस लॉकडाउन में पढ़ाई तो बंद है सरकार के निर्देश के अनुसार, लेकिन गांव वालों को क्या समस्या हो रही है, मैं आपको मिलाने जा रहा हूं पंडित जी विकल ओझा से, जो कि आपको बताएंगे क्या समस्या हो रही है। समस्या यह है सर कि हमारा स्कूल जो है आज लॉकडाउन के चलते बंद है, लेकिन बंद होने के कारण जो खाना MDM से मिल रहा था, उसमें हर बच्चों को, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग पंचायत में बच्चों को खाना के बदले में पैसा मिल रहा था, लेकिन आज क्या हो रहा है, मेरा रानी चिड़का गांव में एक भी बच्चों को पैसा नहीं दिया गया। इससे बहुत दुख की बात है कि हर बच्चा को मिलना चाहिए, हर खाना नहीं जब बन रहा है MDM में, तो कम से कम उसका तो जो पैसा मिलता है तो वो दे देना चाहिए था ये स्कूल प्रबंधक को। आपके कहने का मतलब ये है कि जो हर महीने यहाँ पे हर एक दिन का जो खाना बनता है, जो बच्चे लोगों को मिलना चाहिए खाना, जो आहार मिलना चाहिए, वो आहार अभी स्कूल बंद है, बंद होने के कारण वो आहार नहीं मिल पा रही है, तो आपके आस पड़ोस के जितने भी पंचायत के बच्चे, उन सभी लोगों को उसके बदले में चावल दिया गया या उसके बदले में पैसे दिए गए, ताकि वे अपने भोजन की कर सके। और आप लोगों को, आपके गाँव में ऐसा किसी को भी कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। इसके लिए आप किसको संदेश देना चाहते हैं, किन से आप आग्रह करना चाहते हैं? मैं तो आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से, उसके बाद जो शिक्षा डिपार्टमेंट के BO है, CO है, जितना भी पदाधिकारी है, उनसे भी मैं शिकायत करना चाहता हूँ कि अगर हर गांव को मिल रहा है तो मेरा गांव को भी मिलना चाहिए। हर बच्चा का आशा है कि जब हम लोग को खाना नहीं मिल रहा है, तब कुछ ना कुछ तो पैसा मिल रहा है। अलग अलग गांव में हम पता किए हैं सर, अलग अलग गांव में पैसा मिल रहा है, तो रानी चिड़का में भी मिलना चाहिए। HBN न्यूज़ से जुड़ने के लिए विकल जी, आपका धन्यवाद।